पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल की 30 सीटों पर 191 प्रत्याशियों के भाग्य तय कर रहे हैं 73 लाख मतदाता। बंगाल के वोटरों में सुबह से मतदान के लिए बड़ा उत्साह। दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 55% वोटिंग हुई। असम में भी आज पहले दौर की 47 सीटों पर हो रहा है मतदान। सीएम सर्वानंद सोनोवाल समेत असम के कई मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में हो रही है कैद। असम में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। असम में दोपहर 3 बजे तक 47% से ज्यादा वोटिंग हुई। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। बीजेपी ने मतदान के दिन भी हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। ममता की पार्टी ने चुनाव आयोग के ऐप पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। टीएमसी ने कहा कई सीटों पर 5 मिनट में वोटिंग प्रतिशत कैसे कम हुआ। डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को ईमेल भेजकर शिकायत की। असम और बंगाल में चुनाव पर पीएम मोदी की मतदाताओं से अपील। पीएम ने कहा रिकॉर्ड संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान करें। वोटिंग के दिन ममता बनर्जी के लोगों से अपील। ट्वीट कर कहा अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करें और भारी संख्या में मतदान करें। बंगाल में मतदान के दिन भी राजनीतिक हिंसा। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। बाल बाल बचे सोमेंदु। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीच बचाव करने पहुंचे सब इंस्पेक्टर पर बम से हमला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। बोले टीएमसी कार्यकर्ता बूथ अधिकारियों को प्रभावित कर रहे हैं। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर की सालबोनी सीट से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला। घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटा। पुरुलिया से टीएमसी के प्रत्याशी सुजाय बनर्जी का चुनाव में धांधली का आरोप। बोले 30% ईवीएम में खराबी की शिकायत है। मशीनों को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। मतदान के दौरान जरूरतमंदों के मददगार बन रहे हैं ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल। बंगाल के झारग्राम से आई तस्वीर। बुजुर्ग महिला को वोटिंग के लिए ले जाते दिखे जवान। बंगाल में जोर शोर से मतदान और घमासान के बीच शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने भी मतदान किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपने गांव झारग्राम के कुलियाना में जाकर वोट डाला। घर में दिलीप घोष के लिए किए गए खास इंतजाम। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सालटोरा के पोलिंग बूथ पर देर से शुरू हुई वोटिंग। तकनीकी खराबी की वजह से मतदान शुरू होने में देर हुई। पश्चिम बंगाल के काथी में मतदान केंद्र में बवाल हुआ। हंगामे के बाद वोटिंग आधे घंटे के लिए रुकी। अतिरिक्त सेंट्रल फोर्स बुलाई गई। मतदान पर असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बोली इस बार बीजेपी असम में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। आज पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन। पीएम ने ओराकांडी के मतुआ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मतुआ समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम बोले यहां आकर वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे मतुआ समुदाय के लोग महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने ओराकांडी में मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के ओराकांडी को पीएम मोदी की सौगात। भारत सरकार ओराकांडी में लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करेगी और एक प्राइमरी स्कूल भी खोला जाएगा। बांग्लादेश को वैक्सीन देने पर पीएम मोदी बोले बांग्लादेश तक भारत की वैक्सीन पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। बांग्लादेश में जशोरेश्वरी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। सतखेड़ा के मंदिर में पीएम ने काली जी की पूजा की। बांग्लादेश के तुंगीपारा में पीएम मोदी बंगबंधु के मकबरे पहुंचे। पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी। बंगबंधु मकबरे में पीएम मोदी ने पौधा लगाया। म्यूजियम में पीएम मोदी ने शेख हसीना के साथ काफी देर तक बातचीत की। बांग्लादेश से दोस्ती और साझेदारी बढ़ाने के लिए तोहफा लेकर पहुंचे पीएम मोदी। अपने साथ बांग्लादेश के लिए 12 लाख डोज कोरोना वैक्सीन लेकर गए।
पूर्व सांसद और अभिनेता परेश रावल भी कोरोना संक्रमित हुए। परेश रावल ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। देश में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल। एक दिन में करीब 62,000 नए केस सामने आए। 291 लोगों की मौत हुई। करीब 32,000 मरीज ठीक भी हुए। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना के चलते त्योहारों के मौके पर एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए। एमपी के सीहोर में शिवराज सरकार के मंत्रियों की लापरवाही सामने आई। कोरोना की वजह से धारा 144 लागू होने के बावजूद कृषि मंत्री कमल पटेल के कार्यक्रम में जुटी भीड़। नियम टूटे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 36,900 नए मरीज सामने आए। एक दिन में कोरोना से 112 लोगों की मौत। राज्य में 282,451 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अभी डीएम के साथ की बैठक। रविवार से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने करने का फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी चेतावनी। बोले, लोग नहीं माने तो 2 अप्रैल से लॉकडाउन लग सकता है। मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी के नई नेताओं को बड़ी राहत। विधायक संगीत सोम यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा समेत 51 आरोपियों पर केस वापस लेने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी। एमपी के ग्वालियर में किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, जिस दिन किसान चाहेंगे किसानों को समाधान मिल जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार ने रेल बेच दी, अब जेल बेचने की तैयारी है। बोले, अगर आंदोलन कर रहे किसानों की बिजली काटी तो खेतों से होकर जाने वाले बिजली के तार काट देंगे किसान। होली पर भारी कोरोना का डर। दिल्ली, लखनऊ जैसे कई शहरों में ज्यादातर लोगों ने होली घर के अंदर ही मनाने का फैसला किया। कई लोग त्योहारों पर लॉकडाउन लगाने के पक्ष में दिखे। कान्हा की नगरी मथुरा में होली के कई रंग। गोकुल में छड़ीमार होली की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़ों के साथ शहनाई की धुन पर नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। नोएडा में शिल्प हाट में बिखरे व्यापारियों की होली के रंग। बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे। कोरोना नियमों का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की। यूपी में होली से पहले खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी। फतेहपुर में 200 किलो नकली खोए के साथ मिलावट का भारी सामान पकड़ा। 2 की गिरफ्तारी। लखनऊ में होली के मौके पर बाहुबली गुजिया लोगों को खूब लुभा रही है। एक मिठाई की दुकान पर बिक रही इस एक गुजिया की कीमत पूरे 2100 रुपए है। यूपी के शाहजहांपुर में इस बार भी 40 मस्जिदों को प्लास्टिक के पर्दों से ढका गया। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन हर होली पर ऐसा करवाता है। कॉरपोरेट मंत्रालय का नया नियम। कंपनियों को अब क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी देनी होगी। बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में भी बताना होगा। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। टाटा मिस्त्री विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला टाटा के हक में आया। चेयरमैन पद की लड़ाई में टाटा को मिली जीत। रतन टाटा ने कहा, फैसला टाटा ग्रुप के सिद्धांतों और मूल्यों को सही साबित करता है। 2020 में कोरोना की वजह से दुनिया भर में करीब 7,80,00,000 कारें कम बिकी। प्रोडक्शन भी 16% तक गिरा। चीन पर सबसे कम असर रहा। फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ और रिहान को उम्र कैद की सजा से निराश निकिता की मां। एबीपी न्यूज से कहा, आगे अपील करेंगे। दोनों को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज बोले, निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले का सरकार अध्ययन कर रही है। मुंबई के लोगों को ठगने के लिए दिल्ली से चल रहा था कॉल सेंटर। मलाट पुलिस ने दिल्ली से मास्टरमाइंड को पकड़ा तो हुआ खुलासा, लोन के नाम पर लोगों को फांसता था। बिहार में फिर खुली शराबबंदी के सरकारी दावों की पोल। सुपौल के गर्ल्स स्कूल में खाली कमरे में शराब की दर्जनों बोतलें मिली। प्रशासन के तरफ से अब जांच के दावे। शराबबंदी वाले बिहार के हाजीपुर में शराब की भट्टियों पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर शराब नष्ट की, भट्टियों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के पुणे में आग का भयानक तांडव। फैशन स्ट्रीट मार्केट में बीती रात लगी आग में 500 दुकानें जलकर राख हुई। बंगाल और असम में मतदान के दिन केरल के चुनावी अभियान में उतरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा ने थ्रिसूर में रोड शो किया।
चेन्नई में बीजेपी की चुनावी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का अनोखा चुनाव प्रचार, लोगों से वोट मांगने के दौरान डोसा बनाती दिखी खुशबू। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के आज पश्चिम मिदनापुर में 4 रैलियां, नारायणगढ़, पिंगला, खड़गपुर सदर और डुमुरजोला में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने इलेक्शन एजेंट सुफियान की गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगाई। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही चुनावी हिंसा की वारदात, पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने से सनसनी, टीएमसी पर हत्या का आरोप। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की शिकायत थी, कहा मिदनापुर में पुलिस अधिकारी प्रचार का समय खराब करने के लिए कार्यकर्ताओं को घंटों थाने में बिठाकर रखते हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी, शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में आपराधिक छवि के लोगों को शरण देने की शिकायत की। बंगाल में मतदान से एक दिन पहले बांकुरा में टीएमसी के दफ्तर में धमाका, 3 लोग घायल, स्थानीय लोगों का आरोप दफ्तर में बम रखे हुए थे जिससे धमाका हुआ। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने कोलकाता पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आज मुर्शिदाबाद के सागरदीघी में करेंगे रैली। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, आज पथानमथिट्टा, कोट्टयम और इडुकी में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, कल पलक्कड़ समेत कई नुक्कड़ सभाओं में हुए थे शामिल। मुंबई में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, पुलिस ने एक पब पर छापा मारा, पब में मौजूद 230 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में तेजी से फैलते कोरोना के बावजूद नहीं मान रहे लोग, मुंबई के बाजार से आई लापरवाही भरी भीड़ की तस्वीरें। मध्यप्रदेश के 5 और शहरों में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सोनसर और विदिशा समेत अब कुल 12 शहरों में लगेगा हर रविवार को लॉकडाउन। एमपी की राजधानी भोपाल के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस, सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक, नाइट कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से लागू। एमपी के राजगढ़ में कोरोना काल में सामने आई लापरवाही की तस्वीर, धारा 144 के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, बिना मास्क के मैच देखने पहुंची भीड़। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना की वजह से धार्मिक स्थलों पर लंगर, भजन कीर्तन और हवन पर रोक, 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला, सीएम जयराम ठाकुर ने ज्यादा टेस्टिंग के निर्देश जारी किए। दिल्ली में कोरोना काल में होली और शबे बारात जैसे त्योहारों पर भीड़ रोकने के लिए सख्ती, पुलिस के चालान के डर से मास्क में दिख रहे हैं लोग, भीड़ में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन की खबरों को किया खारिज, विधानसभा में बोले राज्य में कोई लॉकडाउन लगाने की तैयारी नहीं। हरियाणा के सोनीपत में प्रदर्शनकारी किसान और गांव के लोगों में भिड़ंत हुई, लाठी डंडे और पत्थर चले, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और पुलिस ने मामला शांत कराया। भारत बंद के दौरान अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए किसान नेता युद्धवीर सिंह रिहाई के बाद बोले गुजरात में बोलने की आजादी नहीं, किसानों के पास है सत्ता परिवर्तन की ताकत। सूत्रों के मुताबिक फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हो सकती है पूछताछ, साइबर सेल ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, कहा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की रिपोर्ट देखकर लगता है कि रिपोर्ट जितेंद्र आवाड या नवाब मलिक ने बनाई है। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का पलटवार, कहा FIR में कहीं उनके लोग परेशानी में ना आ जाएं, इसलिए फडणवीस ऐसे बयान दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के आरोप पर जितेंद्र आवाड का जवाब, बोले लोगों को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। फोन टैपिंग विवाद में महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड का बयान, कहा IPS रश्मि शुक्ला पर जल्द होगी कार्रवाई, अवैध रूप से फोन टैपिंग कराने का है आरोप। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से मिले ATS चीफ जयजीत सिंह, बैठक में मंत्री जयंत पाटिल और जितेंद्र आवाड भी मौजूद रहे, उठे सवाल तो आवाड ने कहा मीटिंग के दौरान मैं दूसरे कमरे में था।
यूपीए की कमान बोले संजय राउत, कमान वाले संजय राउत के बयान पर नाना पटोले ने कहा सोनिया गांधी सक्षम है और वो इतने वर्षों से यूपीए को चला रही है, जिसको कोई समझ समझा नहीं वो ऐसा बोलते हैं। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। केस में अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, राजस्थान गृह मंत्रालय और पुलिस के अधिकारियों पर आरोप। राजस्थान के बूंदी में नगर परिषद बैठक में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच चले लात घूंसे, बजट पारित करने को लेकर हुई बैठक के दौरान भिड़े। बंगाल कोयला घोटाला में कसा सीबीआई का शिकंजा, मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला को नोटिस भेजा, 30 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होने का निर्देश। दिल्ली में पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की जाबाजी का वीडियो वायरल, ग्रेटर कैलाश में इमारत में लगी आग से बुजुर्ग समेत 3 की जिंदगी बचाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समंदर में छोड़े गए 350 दुर्लभ प्रजाति के नन्हे कछुए, कुछ दिन पहले कछुओं के अंडों को वन विभाग ने सुरक्षित जगहों पर रखा था, इन्हीं अंडों से ये नन्हे कछुए निकले। मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन को भी हुआ कोरोना, सोशल मीडिया पर जानकारी दी, खुद को होम क्वारंटीन किया। कोरोना की वजह से फिर टली बंटी और बबली 2 की रिलीज, यशराज की यह फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, सैफ रानी की भी फिल्म में जोड़ी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रिया चक्रवर्ती के एफआईआर के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। राजामौली की नई फिल्म आरआरआर के नए पोस्टर में रामचरण तेजा के किरदार का फर्स्ट लुक सामने आया, धनुष पर बाण का संधान करते हुए दिखे, दशहरे पर आएगी फिल्म। अनिल कपूर ने पत्नी को जन्मदिन पर गिफ्ट में दी 1 करोड़ की लग्जरी मर्सिडीज बेंज कार, इंस्टाग्राम पर पत्नी के लिए प्यार का इजहार भी किया। मई से टीवी पर लौटेगा कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, सपना का किरदार निभाने वाले कृष्णा अभिषेक ने बताया, कहा इस बार नए सेट के साथ बहुत सी चीजें नई होंगी। ABP News आपको रखे आगे।